अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी और मथुरा को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। ज्ञानवापी और श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ के एक बयान से सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। बयान के बाद सियासत में कौरव पांडवों की तुलना होने लगी है। सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल तीन के लिए बात कर रही है, तीन के लिए। अयोध्या के बाद काशी का इंतजार, तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। काशी के बाद मथुरा की बारी। हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा। सदन में सीएम योगी के तीन धाम वाले बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। सीएम ने चर्चा के दौरान कौरवों पांडवों का जिक्र किया था। कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। सीएम के बयान पर अब समाजवादी पार्टी ने हमला बोल दिया है। अभी ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है कौन कौरव है? और अगर हम संख्या बल पे जाएं तो बीजेपी तो ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पहले ये तो तय हो जाए कि कौरव कौन है पांडव कौन है। काशी मथुरा की लड़ाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन इन सब के बीच इतिहासकार इरफान हबीब काशी मथुरा में मस्जिद से पहले मंदिर होने की बात कह गए। मस्जिदों का जिक्र है, वो पहले मंदिर थी मथुरा में और बनारस में भी, तो औरंगजेब के जमाने में हुआ, उसमें फारसी तारीखों में जिक्र है उसका। अयोध्या के बाद काशी मथुरा मामले में अदालत में सुनवाई चल रही है। दोनों ही जगहों पर हिंदू पक्ष सुलह से हल की बात भी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इरफान हबीब का बयान मुस्लिम पक्ष को सुनना चाहिए। दरअसल उन्होंने क्या कहा ये समझिए। मथुरा काशी में मंदिर था, इरफान हबीब ये कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं, उन्हें तोड़ा गया यानी कि मंदिरों को तोड़ा गया, ये बिल्कुल सही है जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में है। ये साबित करने के लिए सर्वे की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोर्ट कचहरी की जरूरत भी नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। कोई तब्दील करना है तो कानून बदलना होगा, कोई तब्दीली अगर करना चाहते हैं तो कानून बदलना होगा, ये वो कह रहे हैं। ये इरफान हबीब के बोल है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि काशी हो या मथुरा हो, वहां पर पहले मंदिर था और इतिहास की किताबों में इसका जिक्र है, और खासतौर पर मुस्लिमों ने जो किताबें लिखी उसमें इसका जिक्र है।